हेलो फाइस वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन आपसे क्या सुनना चाहता है तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है और ऐसी कौन सी चीज है जो ये सुनने के लिए परेशान है रेस्टलेस है और ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये पर्सन आपके मुंह से खुद सुन के ही रिलैक्स होगा लाइक like, कौन सी चीज़ इन्हें रेस्टलेस कर रही है सो so, जो भी है कोई प्रॉब्लम है या कोई फैंटेसी है या कोई ड्रीम है या कुछ और जो भी है मैं वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में देखने की कोशिश करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन आखिर आपसे सुनना क्या चाहता है भाईस फॉर भाइसेस six of swords the empress seven of swords three of stars and the fool okay, okay. So marpa said the empress let ye person let Pisces he abone unconditional love This ye person काफी रोमांटिक हो सकता है ओके इस समय ये पर्सन आप पे फोकस है और चाहेगा कि आपको इम्प्रेस करे इनफैक्ट अगला कार्ड है सेवन ऑफ स्टार्स का तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मनाना चाहेगा इन केस आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है इश्यूज हैं तो अगर ये एक नया रिलेशनशिप है तो वो इस बात के लिए आपको मनाना चाहेंगे कि आपको इस रिलेशनशिप में होना चाहिए उनके साथ आपको इस बात का कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने उन्हें चुना ये पर्सन काफी सारी रोमांटिक बातें करेगा इनफैक्ट मैं सिर्फ बातें ही होते हुए यहां नहीं देख रही हो सकता है ये पर्सन आपके लिए फ्लावर्स ले आए या फिर चॉकलेट्स uh, ले आए ये पर्सन आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करेगा इनफैक्ट चूंकि यहां सिक्स ऑफ सोर्ट्स है तो हो सकता है ये पर्सन uh, काफी लंबे समय बाद आपसे मिल रहा हो मे बी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच उतनी बातें नहीं हो पाई और बातें हुई भी तो आप ज़्यादा मिल नहीं पाए तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि वो आपसे फेस टू फेस मिले इस वक्त और आपको कुछ ऑफर करे कुछ रोमांटिक बातें करे कुछ मेमोरीज क्रिएट करें जो आप दोनों बाद में पीछे मुड़के देख पाए एंड अगर ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए थे इवन अगर आपका ब्रेकअप भी हो गया था तो हो सकता है ये पर्सन आगे बढ़ के चाहेगा कि रिकन्सिलिएशन हो ये पर्सन चाहेगा कि आप दोनों के बीच चीजें ठीक हों तो इनकी बातें बहुत स्वीट और सॉफ्ट होने वाली है ये पर्सन आपसे मिलने आने वाला है वेल ड्रेस्ड होके और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख कर तो पूरी तरह से स्टडी कर कर तो प्रिपेयर्ड रही है बिकॉज द एम्प्रेस को कोई भी लूज नहीं करना चाहता वाइसिस ये पर्सन आपसे सुनना चाहता है कि आप हमेशा उनके लिए रहेंगे ओके okay? चाहे वो जहाँ भी चले जाए जो भी कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी मतलब ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी को जाहिर नहीं करना चाहता लाइक like, ये पर्सन जानता है कि उनका बिहेवियर पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर उन्हें डर है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों को दूर कर देगा में भी आप किसी और में इंटरेस्टेड हो जाएंगे या कोई और आपको अच्छा लगने लगेगा एंड um, ये इस डर को जाहिर नहीं करना चाहते पाइसेस ये पर्सन आपको शो नहीं करना चाहता कि वो कितना इनसेर है बट आपसे एक्सपेक्ट जरूर कर रहा है कि आप उनकी इस इंसिक्योरिटी को बिना कहे ही समझ लें और इस इनसिक्योरिटी को दूर भी कर दें ये कहिए कि क्या हुआ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आप उनका साथ हमेशा निभाएंगे आप हमेशा उनका इंतजार करेंगे एंड uh, हर हाल में इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे अब चाहे आपको उनका उतना अटेंशन मिल रहा हो तो भी ना मिल रहा हो तो भी अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं और ये पर्सन काफी लंबे समय बाद वापस आ रहा है और वापस आके अपोलॉजीज नहीं मांगता या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता एंड एक्सपेक्ट करता है कि आप बस यूं ही आगे बढ़ जाएं तो ये पर्सन आपसे ये सुनना चाहेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं कितनी बार इस रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं और किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं आपको उतना अटेंशन दे रहे हैं या नहीं आप इस रिलेशनशिप में बने रहेंगे तो ये इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है आप स्पाइस दूसरी तरफ हमारे पास थ्री ऑफ स्टार्स है तो थ्री ऑफ स्टार्स के साथ आप इसे एक तरह से एक डीप रूटेड फियर समझ सकते हैं एक ऐसा डर जो उनके मन के गहराइयों में बैठा हुआ है उन्हें लगता है कि जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से वो आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उसके कारण आप उनसे आज नहीं तो कल दूर हो ही जाएंगे ये थ्री ऑफ स्टार्स फॉलो करेगा और आप दोनों का ये रिलेशनशिप बच नहीं पाएगा सो ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें ये अश्योरेंस दें कि चाहे वो जय भी कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे आप हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे एंड हाँ ये पर्सन थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है ये पर्सन कोई माइंड गेम खेल रहा हो सकता है हो सकता है आपको ब्लेम भी करे जब भी आप इनमें दिलचस्पी कम दिखाएं या उनसे दूर जाने की कोशिश करें हर रीजन देखिये आपको कि आप इस रिलेशनशिप में ना रहें ये पर्सन कंप्लेन करेगा कि आप उन्हें उनके बुरे वक्त में छोड़ के चले गए आप उन्हें समझते नहीं हैं आप आ, उन्हें स्पेस नहीं दे रहे आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप एक अच्छे लवर नहीं हैं तो ये पर्सन इस तरह की चीजें आपसे कह सकता है ताकि आप इस रिलेशनशिप में बने रहे और सम हाउ ये बिलीव करें कि आप एक अच्छे लवर तभी होंगे जब आप उनको ये कहते हैं कि वो चाहे जो भी करे करने के लिए फ्री है और आप उन्हें वो अनकंडीशनल लव देंगे ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट इसलिए कर रहा है पाइसिस क्योंकि उन्हें आपके अंदर ये पोटेंशियल दिख रहा है ओके उन्हें द एम्प्रेस नजर आ रही है और उन्हें लगता है कि अनकंडीशनल लव द एम्प्रेस ही दे सकती है और द फूल के साथ ये पर्सन ये रिस्क ले रहा है बिकॉज उन्हें लगता है कि ये रिस्क पॉजिटिवली वर्क करेगा और उन्हें पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए फाइसेस The Temperance, Ace of Swords, Nine of Swords, Swords, Nine and the Devil. Okay. So नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड ओके Temperance का कर्थ. Temperance ke card के साथ जो changes आ रहे है वो changes आसान नहीं होंगे आई I मीन mean, ये पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो कहना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा एंड आपसे कह रहा है कि नहीं आसान है तो साइलेंट रहिए. मतलब यहाँ पे Ace of Sword है ये पर्सन इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है सेल्फ सेंटर्ड हो गया है बिकॉज अगला ही कार्ड द डेवल का है तो क्लियरली ये पर्सन इस वक्त इंटरेस्टेड है उन चीजों में जो उन्हें मिल सकती है इस बारे में नहीं सोच रहे कि वो क्या दे सकते हैं सो so, भाई सेस आप जो भी कहना चाहते हैं सोच समझ के कहिए है एंड uh, ठा आपसे कह रहा है कि आपको कोई ऐसा कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है या कोई ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है या जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है ये पर्सन तो चाहेगा कि उन्हें आपसे अनकंडीशनल लव मिले और ऐसा कमिटमेंट मिले जो कभी टूटी नहीं सकता चाहे वो तोड़ने के जितने भी रीजंस थे ये पर्सन चाहेगा कि आप उनके आइडियाज को और उनके एक्सप्लेनेशंस को ब्लाइंडली सुनते जाए और बिलीव भी करते जाए उनके पास जो भी एक्सप्लेनेशंस है वो काफ़ी होने चाहिए आपके लिए ये ये पर्सन चाहेगा दूसरी तरफ हमारे पास है नाइन ऑफ पाइसेस नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि जो इस वक्त ये पर्सन सुनना चाहता है अगर आप वो नहीं कहना चाहते हैं कहना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है बट अगर आप नहीं कहना चाहते तो कुछ समय अकेले बिताइए और सोचिए कि आप क्या चाहते हैं बिकॉज ये जो भी इस वक्त चाहते हैं वो रोमांटिक तो बहुत लग सकता है एक पर्सन आपके पास आता है अपनी फीलिंग्स जाहिर करता है रोजेज या गिफ्टस लेके आता है रोमांटिक बातें करता है आप डेफिनेटली उस पर्सन से इम्प्रेस हो सकते हैं अट्रैक्ट हो सकते हैं बट देन जो एक्सपीरियंस है आपका उसे मत भूलिए वो एक्सपीरियंस आपके डिसीजन को स्ट्रांग uh, बनाएगा और सही बनाएगा ओके okay? चलिए देखते हैं कि आपके लिए रेक मैसेज किया है भाईसेस ऑथर यू हैव अ बुक इन साइड ऑफ यू दैट विशेज टू बी एक्सप्रेस मेक द टाइम टू राइट इट तो ये कार आपसे कह रहा है कि आपको खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए सो so, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह पर्सन आपसे सुनना क्या चाहता है फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कहना चाहते हैं चारों सीधा सीधा आपको यही मैसेज दे रहा है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो एक्सप्रेस कीजिए आपको किसी चीज के लिए खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं तो यह है रिडिंग इस बारे में ये पर्सन आपसे सुनना क्या चाहता है I hope abko achila yogi. Thanks for watching. Till next video, bye.